नमस्ते बच्चों। तो ये क्लास 8 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइंस का थर्ड यूनिट है फोर्स एंड प्रेशर। तो इसमें जो टॉपिक है वो है प्रेशर ऑन सॉलिड। तो हमने पूरा जो है यहाँ तक पूरा पढ़ाई की। अगर आपको पूरा यूनिट देखना है प्लेलिस्ट में जाइए, अच्छे से जो आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं प्रेशर ऑन सॉलिड। देखिए, अब जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझ पर भी एयर का प्रेशर जो है वो लग रहा है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। देखिए, फोकस क्या है, कंसेप्ट को समझना। इस जो प्रेशर जो है वो सॉलिड जो पे प्रेशर लगता है वो क्या होता है उसको समझेंगे। देखिए, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैं खड़ा हूँ, तो अब मैं अगर एक जगह पे अगर मैं खड़ा रहने की कोशिश करता हूँ तो 8 घंटे या 10 घंटे में खड़ा नहीं रह सकता, ठीक है। 8 घंटे 10 घंटे एक जगह पर खड़ा नहीं रह सकता। खड़ा रह सकता हूँ क्या? रह सकता हूँ, पर कितनी मुश्किलें आएगी एक जगह पर खड़ा होने के लिए। क्योंकि हो क्या रहा है, मेरे बॉडी का जो पूरा वेट है, ये जो पूरा वेट है वो मेरे पैरों पे आ रहा है, और मेरे पैरों ने जो है वो इतनी जगह जो है वो कैप्चर की है। अब मैंने यहाँ पे छोटी सी जगह दिखाई, थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। तो इतनी सी जगह पे जो है वो पूरा वेट जो है वो मेरा जो है वो प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। क्योंकि पूरा बॉडी जो है वो इन दो पैरों पर जो है वो खड़ी है, तो पूरा जो फोर्स है या फिर प्रेशर है वो दो पैरों पर लग रहा है। और इसीलिए मुझे दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर लग रहा है, क्लियर। क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कितने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उस हिसाब से प्रेशर जो है वो हम बताते हैं। अगर एरिया कम है, कम एरिया है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा एरिया है प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। तो एरिया कैसा है, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो कम एरिया होने की वजह से प्रेशर जो है वो ज़्यादा लग रहा है। अगर मैं बात करूँ कि मैं जब सोता हूँ तो रिलैक्स में 8 घंटे सो पाता हूँ, वैसा क्यों होता है? क्योंकि रिलैक्स पोजीशन में जो एरिया है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। ये कंसेप्ट हमने कल के लेक्चर में अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश की, और मैंने आपको बताया भी कि इसको समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले इसमें आपको इसका बहुत काम पड़ेगा। क्योंकि एरिया जो है वो जब कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, और एरिया जब ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, क्लियर। तो ये सारा जो मैटर है, जो सॉलिड पे जो प्रेशर लगता है, वो सारा मैटर जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है कि कितने एरिया पे कितने फोर्स लग रहा है, और उस हिसाब से फिर वो प्रेशर को जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या है, मेन चीज है एरिया, यानी कितने एरिया पे जो है वो फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऐसा आपकी इसमें एग्जाम्पल दिया है कि दो ये रखे हैं, उस पर जो है उडन की एक लाकड़ी फड़ी रखी है, ठीक है, उडन का एक क्वीन ऐसा ये रखा है। अब इस पर जो है वो कोई फोर्स नहीं है, कोई ये बहुत बड़ा एरिया है तो ये कोई नीचे नहीं झुकेगा, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो आपने 4 बुक्स रख दिए, बड़े बड़े बुक्स रख दिए, ये थोड़ा सा जो है वो नीचे झुकेगा, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे झुकेगा, ठीक है। यहाँ तो कुछ भी नहीं झुका यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। पर एरिया देखिए आप, एरिया क्या है, एरिया बहुत बड़ा है, और इस पे जो है वो हमने ये फोर्स अप्लाई किया। अब ये चारों किताब अगर हम इस तरह से रख देंगे तो एरिया क्या हो गया, एरिया यहाँ पे बहुत बड़ा था और एरिया जो है वो यहाँ पे बहुत कम हो गया, और इसकी वजह से ये जो है वो इस प्रकार जो है वो झुक जाएगा। क्यों झुका, प्रेशर क्यों बढ़ा, प्रेशर बढ़ने का है कि फोर्स भी इंक्रीज हो गया और एरिया जो है वो भी जो है वो कम हो गया। एरिया कम होने की वजह से, फोर्स बढ़ने की वजह से ये जो है वो प्रेशर इस पर बढ़ गया और ये जो है वो झुक गया। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम, तो जो सॉलिड पे जो एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अब वेजिटेबल वेंडर की बात करें, वेजिटेबल यानी जो बेचने जाते हैं, कुछ भी सर पे रखते हैं, तो हमें क्या लगता है कि भाई सर अगर हम डायरेक्टली रखते हैं तो इस पर प्रेशर आता है, ठीक है। तो अगर हम वो क्या करते हैं, एक क्लोथ लेते हैं और क्लोथ को ऐसा ऐसा घुमाते हैं और उसको रखते हैं, और उसके ऊपर जो रखना है टोपली वगैरह वो रखते हैं। अब जब डायरेक्टली हम हमारे हेड पे रखते हैं तो एरिया जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और जब हम एक क्लोथ लेते हैं और उसके ऐसी ऐसा बनाते हैं और वो रखते हैं तो एरिया जो है वो बढ़ जाता है, ऊपर का एरिया, और उसके ऊपर जब रखते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, तो हमें ज़्यादा ऐसा भारी फील नहीं होता, ठीक है। तो ये सारा खेल किसका है, ये सारा खेल है एरिया का, इसको समझिए। सारा खेल क्या है, सारा खेल है एरिया का। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, क्लियर बात। अब यहाँ पे पढ़ लेते, देखिए समझना यही है, सारा खेल किसका है। देखिए कंसेप्ट को समझिए, हम क्या करते हैं, बुक पढ़ लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, रट्टा वगैरह नहीं मारना है, कंसेप्ट को समझिए। प्रेशर का जो रिलेशन है वो फोर्स और एरिया के साथ रिलेशन है,
फोर्स बढ़ता है तो प्रेशर जरूर बढ़ता है, पर एरिया जैसे कम होगा वैसे प्रेशर बढ़ेगा, एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको। प्रेशर ऑन सॉलिड्स, एयर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट केप्ट इन एयर। अब देखिए, हमने जैसे बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, तो वो हम पे जो है वो एक्ट होता है, जिसको हम बार से जो है वो कल के इसमें देखा हमने कि वो जो है वो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या है, बार है, यानी एयर जो है वो हमारे ऊपर जो है वो प्रेशर लगा ही रहा है। उस पर इतना फोकस मत कीजिए, फोकस नेक्स्ट पे करना है। व्हेन वेट इज केप्ट ऑन अ सॉलिड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट, कोई भी वेट हम रखते हैं तो उस पर प्रेशर जो है एक्जर्ट होता ही है, एयर प्रेशर। ठीक है, दिस प्रेशर डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ वेट एंड कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन। देखिए, अगर मान के चलो कि कोई वेट जो है वो आपने सॉलिड पे रखा, ये सॉलिड है, ठीक है, और इस पर आपने कोई वेट रखा, तो ये डिपेंड किसके करेगा, प्रेशर किस, दिस प्रेशर डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ द वेट, तो ये जो आपने रखा इसका वेट कितना है, वैल्यू ऑफ वेट एंड द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टू, कॉन्टैक्ट एरिया यानी इन दोनों के बीच में कितना कॉन्टैक्ट एरिया है, यानी अभी देखिए आपने जो वेट रखा ये बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट एरिया है, इसको अगर हमने जो है वो एक के ऊपर एक रख दिया तो कॉन्टैक्ट एरिया यानी वही एरिया वो जो है वो कम हो जाएगा। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, एक तो कॉन्टैक्ट एरिया और ऊपर कितना वेट है, वेट यानी फोर्स, तो उस पर प्रेशर डिपेंड करेगा, यानी कितना वेट आपने रखा है। अगर मान के चलो कि मैंने यहाँ पे 50 किलो वेट रखा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और यही अगर इसका पूरा वेट जो है वो 5 kg है, ठीक है, तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो वेट कितना है और कॉन्टैक्ट एरिया यानी वो कितने एरिया के कॉन्टैक्ट में है उस पर डिपेंड होगा प्रेशर। ये सेंटेंस समझ में आ गया, नेक्स्ट देखते, डू यू एक्टिविटी दिखाया है और यही समझा के दिया है। यू मस्ट हैव सीन वेजिटेबल वेंडर कैरिंग अ बास्केट, वही मैंने जो एग्जांपल दिया कि वेजिटेबल वेंडर यानी जो फल विक्रेता होता है वो अपने हेड पे जो है वो बास्केट कैरी करता है। शी कीप टॉइस्ट पीस ऑफ क्लोथ ऑन हेड, तो पीस को टॉइस्ट करके अपने हेड पे रखती है बिलो द बास्केट, बास्केट के नीचे, और ये किस लिए करती है, वही क्योंकि उससे क्या होता है एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ने की वजह से जो बास्केट ऊपर रखी है उसका प्रेशर जो है वो कम फील होता है, इसी वजह से वो जो है वो रखा जाता है। वी कैन नॉट स्टैंड एट द वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक जगह पे हम जो है वो ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। हाउ देन वी कैन स्लीप फॉर अ प्लेस ऑफ 8 and odd hours, तो 8 घंटे 10 घंटे तक हम कैसे सो सकते हैं, क्योंकि एरिया बढ़ जाता है। मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर कम लगता है, यहाँ पे एरिया कम होने की वजह से पैरों पे ज़्यादा प्रेशर आता है, पूरी बॉडी का प्रेशर इस पे दोनों चीज़ पे आता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया कम है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, इसी वजह से हम ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते क्योंकि एरिया कम है, प्रेशर फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे फोर्स भी कम हो जाता है क्योंकि बॉडी का कॉन्टैक्ट एरिया भी बढ़ चुका है। क्लियर, फॉर सिकिंग ऑन आइस व्हाई दे आर लॉन्ग फ्लैट स्की, देखिए जब हम आइस पे जो लोग ऐसे जंप करते हैं, देखिए स्कीइंग का मतलब क्या होता है, स्लाइडिंग या फिर जंपिंग, ठीक है, जंपिंग करना या फिर स्लाइडिंग करना, ठीक है, तो पैरों से अगर करोगे तो वो अच्छा होगा नहीं क्योंकि उतना प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, आप गिर जाओगे, तो प्रेशर अगर आपको जो है वो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, और आप अच्छी तरीके से स्लाइडिंग कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ये बड़े बड़े से पैरों पे लगाए जाते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से जंप करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो आप तो गिर जाओगे ना, तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए ये कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो बढ़ाया जाता है ताकि प्रेशर को हम कम कर सके। तो ये होता है गाइस प्रेशर ऑन सॉलिड, तो जब सॉलिड पे प्रेशर लगता है तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वेट उस कितना है और दोनों पे बीच में जो कॉन्टैक्ट हो रहा है वो कॉन्टैक्ट एरिया कितना है और ऊपर का वेट कितना है उस पर डिपेंड होता है प्रेशर ऑन सॉलिड। क्लियर हो गया, एंड इस पर सबसे मेन क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कम फील होगा, कॉन्टैक्ट एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा फील होगा, और दूसरा है वेट यानी आपने कितना ऊपर वेट रखा है उस के ऊपर, यानी जो रखा है जैसे मैंने बोला कि ये वहाँ पे हमने कम वेट रखा है यहाँ पे ज़्यादा, तो दो चीज़ों पे देखिए ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, जो प्रेशर ऑन सॉलिड में जो तीसरा है, दिस प्रेशर डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ द वेट, वैल्यू कितनी है वेट की, कितना वेट रखा है एंड द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टू, तो ये है प्रेशर ऑन सॉलिड। तो प्रेशर ऑन सॉलिड के बारे में हमने सीखने की कोशिश की, मेन आपको क्या सीखना है कि प्रेशर ऑन सॉलिड में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वैल्यू है वेट की वो और कॉन्टैक्ट एरिया कितना है वो, बाकी प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, हमने कल के इसमें पढ़ा कि इसके यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, नोन एज पास्कल बोला जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखने की कोशिश की। आज के टॉपिक में हमने प्रेशर ऑन सॉलिड जो है वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की, कल देखेंगे प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड में किस प्रकार का प्रेशर क्रिएट होता है,
तो सॉलिड में आपको इतना याद रखना है कि कॉन्टैक्ट एरिया एंड वेट कितना है, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना प्रेशर लगेगा। वीडियो हेल्पफुल रहा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि पूरा 8 क्लास का साइंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।